हेलो, कृष्ण बायो फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे टाटा कंपनी का एसेट ऑफ जो एसीपेट 75% इसका बारे में, इसका डोज फसलों में कितना देना है, कौन फसलों का कौन कौन कीटों को कंट्रोल करता है और कौन कौन सा फसलों में आप स्प्रे कर सकता है, इसका प्राइस कितना है, लगभग हर जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। टाटा कंपनी का जो एसिड ऑफ इंसेक्टिसाइड है इसका केमिकल कंपोजिशन है एसीपेट 75% इसका केमिकल कंपोजिशन है। अभी बात करेंगे एसीपेट 75% कौन कौन सा फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जैसा मिर्च, टमाटर, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भीन, लोबिया, कटन, धान, बैगन, तोड़ाई, लौकी में आप स्प्रे कर सकते हैं जो एसीपेट 75% है। अभी बात करेंगे एसीपीड 75% कौन कौन सा कीटों को कंट्रोल करता है इसके बारे में, जैसे एपिड, थ्रिप्स, जेसिड, मिलीबग, बोलम इंसेक्ट जो है फसलों में आता है इसको कंट्रोल करता है जो एसीपीड 75% है। मिर्च, टमाटर, आलू का जैसे थ्रिप्स, जेसिड, एपिड का जो इंसेक्ट है इसका फसलों में ज़्यादा आता है, जैसे मिर्च, टमाटर, आलू में जैसा थ्रिप्स का वजह से पौधों का पत्ताओं में जैसे कुकरापन का बीमारी आता है, इसमें आप एसीपीड 75% स्प्रे कर सकते हैं जो मिर्च, टमाटर, आलू का फसलों में ज़्यादातर ही कुकरापन का बीमारी आता है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है एसीपीड 75%। बैंगन, भिंडी और पत्ता गोभी, फूल गोभी का फसलों में जैसे बॉलम इंसेक्ट ज़्यादा आता है, इसमें आप जो एसीपीड 75% स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल करता है जो बॉलम का इंसेक्ट इसको कंट्रोल करता है स्प्रे करने के बाद। अभी बात करेंगे एसीटेप 75% इंसेक्टिसाइड के साथ दूसरा कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते इसके बारे में, इसका साथ जो इमाडोक्लोरोफिट 70.8% जो कीटनाशक है इसको एक साथ मिक्स करके स्प्रे करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फसलों में, कोई भी कुकरापन का बीमारी ज़्यादा नहीं आता है इसको एक साथ मिक्स करके स्प्रे करने के बाद, जो फसलों में कुकरापन का बीमारी आता है ज़्यादातर फसलों में इसमें एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकता है, जैसे इमाडोक्लोरोफिट प्लस एसीपेट। अभी बात करेंगे जैसे भीन, काउपी, कटन, तुराई, लौकी में एपिड, जेसिड, मिलीबाग जो इंसेक्ट आता है इसमें आप जो एसीपीड 75% स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है फसलों में एसीपीड स्प्रे करने पर, जैसे कटन, राइस, तुराई, लौकी और भीन में स्प्रे करने के बाद जो इंसेक्ट आता है उसको कंट्रोल करता है। अभी जो एसीपीड 75% है उसका डोज का बारे में बात करेंगे, उसका फसलों में सही डोज देना चाहिए इस तो बहुत अच्छा फसलों में काम करता है, उसका जो सही डोज है इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसका डोज होता है 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर में स्प्रे करना है, जैसे इंसेक्ट आता है इस टाइम में, और इंसेक्ट ज़्यादा आने के बाद जो कुकरापन का बीमारी आता है, बॉलवर्म का जो फूट बुरवार होता है, इसमें आप 2 से 2.5 ग्राम स्प्रे कर सकता है पर लीटर में। पहला स्प्रे करने के बाद एसीपीड 75%, दूसरा स्प्रे कब करना है अब इसके बारे में बात करेंगे। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग 10 से 15 डेज के बाद दूसरा स्प्रे करना है फसलों में, जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है 10 से 15 डेज के बाद स्प्रे करने के बाद। मिर्च में थ्रिप्स की वजह से ज़्यादा कुकरापन का बीमारी आता है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है एसीपीड 75% स्प्रे करने के बाद, मिर्च का ज़्यादातर 100% कुकरापन बीमारी आता है, इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं भी एंड कंट्रोल भी होता है। टाटा कंपनी का जो एसीड ऑफ इंसेक्टिसाइड इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।